रियासी का विनम्र सेवक डॉक्टर सुखदेव शर्मा और आल पार्टी का विनम्र सेवक आम जनता को ये सूचित करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से जो हमारी रियासी का भविष्य उज्जवल हो उसके लिए जो हमारी मुलाकात हुई, हमारी उसमें तीन चार डिमांड थी। सबसे पहले ये तो हमारी मदर चाइल्ड जो करीब दो तीन साल से इसकी स्ट्रगल चल रही थी, उसको तो वहाँ हमें उठाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो काम एक हो गया है तो उसको हम बार बार उठाएं तो वो हमें भी शोभा नहीं देता और सुनने वाला भी थोड़ा इरिटेट होता है। लेकिन फिर भी मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट, रियासी टाउन, हर व्यक्ति रियासी के रहने वाला हर गांव, उनको कहना चाहता हूँ कि जो काम आल पार्टी के लोगों को आपने सुपुर्द किया था मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बनाने के लिए, मैं आपको उसके उपलक्ष्य में सीधा सीधा बगैर किसी लाग लपेट के ये बताना चाहता हूँ कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद जो आपने आल पार्टी को दिया था, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल अप्रूव्ड होने के बाद उसकी 31 पोस्टें जो निकली हैं, उन पोस्टों में 6 पोस्टें जो हैं वो गजटेड पोस्ट, और वो गजटेड पोस्टें जो हैं वो PSC पब्लिक सर्विस कमीशन के पास रेफर हो चुकी है। उनके इंटरव्यू होंगे, डॉक्टर्स जो गजटेड होंगे वो वहाँ से होंगे, और बाकी जो होगा वो स्टेट के जो छोटा स्टाफ है वो अलग से होंगे। लेकिन इन पोस्टों के निकलने के बाद जब PSC इनको निकालती है, मैं जनता को सूचित करना चाहता हूँ ये तुरंत पोस्टें भर नहीं जाएंगी। उसका प्रोसीजर जो है उसको पूरा करने के लिए 3-4 महीने का समय लगेगा। जब पोस्टें इंटरव्यू हो जाएंगी, निकलेंगी, तो आज मेरी सुबह कमिश्नर हेल्थ दुल्लू साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि पोस्टें आपकी रेफर हो चुकी हैं, और जब भी वो वहाँ से इंटरव्यू के लिए हमें ऑर्डर आता है तो फिर भी उसको कंप्लीट करने में हमारे 3 महीने लगेंगे। जब वो इंटरव्यू हो जाते हैं, डॉक्टर्स मिल जाते हैं, और उन्होंने बोला है उसकी मशीनरी जो है वो तुरंत उसी टाइम वहाँ आ जाएगी, और हॉस्पिटल की ओपनिंग जो है हो जाएगी। लेकिन मैं उन पॉलिटिकल लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जनता की स्ट्रगल, डेवलपमेंट कमेटी की जो स्ट्रगल लेने के लिए पॉलिटिकल लोग जो हैं जनता को ये समझ रहे हैं कि ये मूर्ख जनता है, और हमारे कहने के ऊपर हम जो कहेंगे, मैं जनता को ये सूचित करना चाहता हूँ, इन लोगों ने जब हमारी महबूबा जी से मुलाकात हुई थी तब
इन लोगों ने ये कहा था कि आप इसका मदर चाइल्ड हॉस्पिटल की डिमांड मत रखो, ये तो हो गया है। तो हमने पूछा, भाई साहब हमें सुनाए क्या हुआ है। इन्होंने कहा था कि इंटरनल एडजस्टमेंट से हॉस्पिटल जो है वो चलेगा। तो हमने बोला ये हमको मंजूर नहीं है, आगे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमें पूरे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो ये इंटरनल एडजस्टमेंट से। तो तब उसके बाद इन्होंने हमें मजबूर किया कि हम इसके लिए स्ट्रगल करें। स्ट्रगल आपकी जो है, इसको हम बार बार ये कहें, इसको कंप्लीट होने में अभी 3-4 महीने और लगेंगे। जो आज मेरी कमिश्नर हेल्थ से बात हुई है, मैं आपको ये बात कर, इसके अलावा नंबर 2 हमारा पुराना एक डिमांड जो चल रही है और सियासी लोग उसमें भी अपने नंबर बनाने शुरू कर रहे हैं कि हमारा 16 पार्क, जिसका पार्टिकुलर मैं ये कहूँ 60 साल से मेरा उसका रिश्ता है 16 पार्क, और जो कुछ बना है जनता के आशीर्वाद से, आपके प्यार से, जो आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें मेरा जो योगदान है, आपका प्यार जो है उसमें इसको आगे ले जा रहा है। उसके मुताबिक ये इस टाइम फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट उसको बनवा रहा है। मेरी कमिश्नर फ्लोरिकल्चर से बात हुई है, एक्शन से बात हुई है, डायरेक्टर से बात हुई है, डिप्टी डायरेक्टर से बात हुई है, उसके लिए नए फंड्स जो हैं वो और आगे ले जाने के लिए रखे हैं। जो हमारा नहाने का जो स्थान है, हमारी सबसे पहले जो डिमांड है, उसके साथ हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां जो आती हैं, उतना ही स्थान नहाने के लिए लेडीज़ के लिए बने और उस पोर्शन को सेपरेट किया जाए ताकि उसकी प्राइवेसी रहे। इसके साथ और आगे नए उसी में प्रोजेक्ट बने हैं। पीछे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर जहां रियासी में आए थे, रियासी ग्राउंड में वहां जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने जिम का प्रोविज़न जो है वो वहाँ रखा, उसकी ओपनिंग की थी। तो तब मुझे उनसे प्रार्थना करने का मौका मिला था, तो मैंने उनसे कहा था कि 16 पार्क जो है एक ऐतिहासिक, आम जनता का, नौजवान बच्चों का, बच्चियों का पिकनिक स्पॉट है। ये जिम का जो आप जहाँ लगा रहे हैं वहाँ भी लगाएं। और तब डीजी साहब ने ये कहा, आपको जिम ही नहीं मिलेगा, बच्चों के खेलने के लिए बाकी जो व्यवस्थाएं होंगी वो मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से है, उन्होंने मैडम जी की ड्यूटी लगाई है SSP की, कि उसका देख के मुझे बताया जाए। इसके साथ ही हमारी कल लेफ्टिनेंट साहब से बात हुई, हमने कहा कि जो यात्रु वैष्णो माता से सरप्लस होकर या जो श्राइन बोर्ड शिवखोड़ी को जाते हैं, वो हमारा 16 पार्क ही एक ऐसा स्थान है जहां यात्रु आके उसमें अपना इंजॉय कर सकता है। तो उसके मुताबिक उनसे हमारी रिक्वेस्ट की गई, उनसे हमने कहा कि 16 पार्क से भीमगढ़ फोर्ट के तक गंडोला कार जो केबल कार के द्वारा इसको जोड़ा जाए, और जब ये जुड़ जाता है तो फोर्ट के चारों तरफ बियर पार्क ओब्लिक जू। हमने उनसे कहा कि ये आज से 3-4 साल पहले भी इसका प्रोजेक्ट गया था, 3
पार्ट्स में इसको बनाना था, पार्ट वन, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। लेकिन बदबख्ती हमारी ये है कि हम उसका पीछा वहाँ तक नहीं कर सके, क्योंकि जिसकी अप्रूवल जो है वो दिल्ली से होनी है, तो वो वहाँ रुक गया। और हमने इनको कल इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि उसको जू को, गंडोला को और सूला पार्क की डेवलपमेंट के लिए, और उन्होंने इसको एग्रीड किया है कि हम इसको करेंगे। मैंने उनसे प्रार्थना की कि जाती दफ़ा आप अगर 5 मिनट वहाँ चले जाएंगे और अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने कहा मैंने वैष्णो माता जाना है, वो वहाँ चले गए, इसलिए वो वहाँ जा नहीं सके। लेकिन हमारी स्ट्रगल जो है सूला पार्क बनवाने के लिए जारी है, और आने वाले समय में जनता को एक ऐतिहासिक स्थान जो है वो सूला पार्क में रहेगा। कल हमारी सबसे एक जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम आ रही है, रेत और बजरी जो है। हमने उनको बोला गवर्नर साहब को कि हम 4 लोगों को इसमें चोरी सिखा रहे हैं। नंबर एक जो मकान बनाने वाला है, क्योंकि वो उसको रेत बजरी मिलती नहीं है, वो दूसरा रास्ता ढूंढता है। जब वो उठाता है, पकड़ा जाता है, तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, और जब वहाँ से छूटता है तो जो एजेंसी है इसका, रेलवे वाली, रेत बजरी वाली, वो पकड़ लेते हैं। 3 जगह 4 जगह जब हम सबको पेमेंट करनी पड़ती है, तो ये सीमेंट और सरिया से भी हमको महंगी पड़ रही है। तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि इसका रास्ता निकालो, रीजनेबल रेट जो है गरीब जनता को रेत बजरी पत्थर ये सब मिले, ये उनको डायरेक्शन दी गई। एक जो आम जनता के लिए ऑल पार्टी डेवलपमेंट कमेटी की जो डिमांड थी, वो आज हमारे हजारों बच्चे, हमारे हजारों लोग, जो मैं ये कहूँगा डॉक्टर करण सिंह की देन से जो हमारा सलार प्रोजेक्ट बना है, हमारे हजारों बच्चे वहाँ पले हैं, नौजवान हुए हैं और बूढ़े हो गए। इसीलिए मैंने गवर्नर साहब से बोला कि सर आप आज जहाँ आए हैं, कल आपको जहाँ से ट्रांसफ़र होके जाना है, आप जाने के बाद रियासी में अपना नाम छोड़कर जाएं, ताकि रियासी की जनता आपको याद करेगी। वो डिमांड हमारी थी। मैं जनता, रियासी और गांव-गांव के लोगों को यह विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस हमारी डिमांड के लिए अपनी बच्चों के खातर हर फोरम पर, हर जगह पर शिद्दत से उठाएं। वो डिमांड क्या थी? हमारा रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने वाला है, रेल जहां पहुंचने वाली है। रेल जब जहां पहुंच जाती है, तो गवर्नर साहब आप अगर रियासी को देना ही चाहते हैं, तो जो रेलवे के कोचिज बनते हैं, रेलवे का बाकी मटेरियल जो बनता है, आप जम्मू या श्रीनगर में ही शहरों के ऊपर लोड मत डालें। डिस्ट्रिक्ट रियासी जो है वो पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वो कोचिज की फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में हमारे हजारों बच्चे काम कर सके, वो फैक्ट्री जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में रेलवे कोचिज की फैक्ट्री जो है वो बननी चाहिए। इसके अलावा हमने ये कहा कि रीजनेबल जो इसका टोल जो है हम पे करते हैं, रीजनेबल जो किसी को दिल में छुए नहीं, 40-50 रुपये आम जो टोल बनता है उसका रियासी से लिया जाए। ये जो 180 रुपया 300-400 रुपया डेली जो जाने वाले हैं उनसे, उनकी जेब से निकलता है, ये गरीब जनता अफोर्ड नहीं कर सकती है। और जब हम अंदर मिलने के लिए जा रहे थे,
तो हमारे बच्चे जो कोरोना के टाइम में जहां काम कर रहे थे NRMH या NRM जो भी इसमें बच्चे काम करते हैं कोरोना के टाइम में, उनको 15-15 साल हो गए हैं, 20-20 साल हो गए हैं, वो बेचारे अभी तक रेगुलर नहीं हुए, रेगुलर नहीं किए गए हैं। गवर्नर साहब प्लीज़ इन बच्चों का भविष्य देखते हुए इनको ठीक तरीके से एडजस्ट करें ताकि ये आपको आशीर्वाद दे सके। मैं जनता को दोबारा ये कह रहा हूँ, एक डिमांड हमारी और आम जनता की प्रॉब्लम के लिए है, जमींदारों के लिए है। जो बंदर हमारे यहाँ पूरे टाउन को, गांव गांव को परेशानी का कारण बन रहे हैं, उसके लिए हम ये चाहेंगे कि हम सबसे मशवरा करके इसका कोई एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनको कह सके ताकि इनका कोई प्रबंध किया जा सके, ताकि जनता को इसका रिलीफ मिले। मैं रियासी अपडेट का शहर के तरफ से और ऑल पार्टीज का विनम्र सेवक होने के नाते आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि ये ऑल पार्टी का कोई भी पर्सनल कभी भी कोई हम जहाँ भी फोरम पर जाएंगे वहाँ नहीं उठाएंगे, जो भी डिमांड होगी पब्लिक के साथ जुड़ी होगी। पब्लिक से मेरी प्रार्थना है कि वे अगर हमारी डिमांड को समझते हैं कि ये हमारे हक की है तो उसके लिए वे खुलकर बोलें, खुलकर अपने व्यूज़ दें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद। जय माता दी।